अगर आपका घर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है तो क्लोराइड वाटर के अंदर ये आपने इशू ज़रूर सुना होगा, और उसमें बहुत सारे ऑडिट्स भी हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100 सोसाइटीज़ को ऑडिट्स भी किए हैं, बहुत सारे बायर्स इसमें परेशान भी रहे हैं, और सबको ये एक डर बैठ गया है कि क्या हमारी बिल्डिंग में क्लोराइड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आया था, गवर्नमेंट ने उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने कैसा अप्रोच अपनाया और उसका क्या एक्शन हुआ, उससे क्या इम्पैक्ट आया बिल्डिंग्स के ऊपर, और उसका क्या इम्पैक्ट होम बायर्स के ऊपर आया, और साथ में रियल इस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मुझे पता है आप घर ले चुके हैं और आप उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब ऐसे भी बहुत सारे बायर हैं जिन्होंने घर नहीं लिया, तो ऐसे दोनों बायर्स के बीच में मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि आखिर ये आप पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट 2010 दिसंबर में हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन, गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड वाटर यूज डोमेस्टिक पर्पज से पूरी तरह बंद कर देना है, मतलब इसको पूरी तरह से बैन कर देना है। ये किसी भी टाइप की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, इंडस्ट्रियल साइट है, या फिर वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, इस पर पूरी तरह से ग्राउंड वाटर यूज़ को बैन कर दिया गया। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और समझते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने 2000 के अंदर गुड़गांव को डार्क जोन डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पर बोरवेल की ड्रिलिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था नोटिफिकेशन के थ्रू में। 2008 के अंदर CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने पूरी तरह से इसको जो बंद किया हुआ था उसमें कहीं हद तक कंडीशनल बोरवेल्स को अलाउ किया था। तो कोर्ट ने ये माना दिसंबर 2010 के अंदर, जब CGWA ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी की हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेके, तो आखिर उसे गुड़गांव के अंदर हाई लेवल के ऊपर क्यों वायलेशन किया गया, और कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रियल साइट्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्यों ग्राउंड वाटर को यूज़ होने दिया गया, ये चीज़ 2010 के अंदर हाई कोर्ट ने क्लियर इसके ऊपर सख्त आदेश देते हुए ग्राउंड वाटर यूज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया। जब 2010 में हाई कोर्ट के जजमेंट में इसे पूरी तरह बंद कर दिया ग्राउंड वाटर रिस्ट्रिक्शन को लेकर, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, वही लेथार्जिक अप्रोच। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, मतलब ग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता रहा, कोई प्रॉपर अथॉरिटी ने गाइडलाइंस ऐसी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं की जिससे कि अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होके और ग्राउंड वाटर यूज़ को पूरी तरह रोक पाती, मतलब कोई ऑडिट मैकेनिज्म नहीं, किसी टाइप का कोई चेक नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई रूल वायलेशंस को लेकर ऐसी कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं की गई। या फिर मेरे को तो ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज़ को यहाँ रेड करना चाहिए था प्रमाइसिस पे जा जाके, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें जा जाके यहाँ रेड करनी चाहिए थी, और ऐसे यूनिट्स, ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है उसे पूरी तरह बंद कर देना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा पूरी तरह नहीं हो पाया। कमी कहाँ थी ये आप भी समझते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर यूज़ होता रहा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा गवर्नमेंट के अच्छे से एक्शन ना लेने के कारण, वो सब आपके सामने हैं। सबसे ज़्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे की सोसाइटीज़ में जहाँ क्लोराइड लेवल ज़्यादा माना गया, वहाँ पर उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ग्राउंड वाटर यहाँ यूज़ हो रहा था, इसने बिल्डिंग को पूरी तरह से हार्म किया। अगर IIT की रिपोर्ट की बात करें तो एक्सेसिव क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर पाया गया, जिससे स्टील जो यूज़ होता है आपकी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो किसी तरह से उसमें एक तरह से जंग लगा और वो प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी वीक हो गई। तो मतलब
यहाँ वाटर जो यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन में उसके अंदर ही क्लोराइड था, मतलब ग्राउंड वाटर जो यूज़ किया उसके अंदर क्लोराइड था, अगर ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं होता तो वो उससे बच सकता था। तो उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो बिल्डिंग की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर पड़ा, मतलब वहाँ पर जो आयरन रॉड्स यूज़ की गई वो कहीं हद तक उससे वीक हुई, और क्लोराइड में कांटेक्ट में आने से जो कोराइजन जो है वो स्टील के अंदर उसको पूरी तरह से उसने ख़त्म कर दिया, मतलब जो बिल्डिंग की लाइफ 99 ईयर्स की होनी चाहिए थी उसने उसकी लाइफ को कम करने में पूरा एक अच्छा रोल प्ले किया। आईआईटी की टीम ने ये भी नोट किया कि मेंटेनेंस के थ्रू किसी तरह से क्लोराइड वाला वाटर कंस्ट्रक्शन जो हो चुकी है वहाँ तक ना पहुँचे, उसके लिए हर सेफ्टी मेज़र लिया जाए, पानी और कंक्रीट में दूरी बनी रहे, क्योंकि क्लोराइड वाटर जैसे ही कंक्रीट के अंदर आता है और अंदर रिस्क के वो पहुँचता है तो आपकी जो आयरन उसके अंदर होती है वो उसको पूरी तरह डैमेज करता है। तो आईआईटी ने इस स्टडी के अंदर ये पाया कि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण आपकी बिल्डिंग में दिक्कत आई है, और वो ग्राउंड वाटर जिसमें क्लोराइड मिक्स था, और अब भी उसे कैसे रोका जाए उसके ऊपर भी फोकस किया। आईआईटी ने यह भी कहा कि ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए या ऐसे वाटरप्रूफिंग पेंटिंग या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर क्लोराइड का वाटर ना जा पाए, जिससे बिल्डिंग की लाइफ और ज़्यादा ख़राब ना हो पाए, उसकी लाइफ जो बची हुई है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो पाए। अब समझते हैं कि होम बायर्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले तो होम बायर्स की लाइफ जो ऐसी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं वो एक तरह से रिस्क में आ गई, मेंटेनेंस कॉस्ट उस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि क्लोराइड लेवल होने के कारण जहाँ ग्राउंड वाटर में क्लोराइड था और उस क्लोराइड लेवल के कारण बिल्डिंग झड़ने लगी। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जिनमें बिल्डिंग आपको झड़ती हुई नज़र आई होगी, या बिल्डिंग की वो लाइफ नहीं बची जो आपने प्रॉपर्टी बाय करते टाइम सोच के लिए। तो उसके इम्पैक्ट में ये आया सबसे ज़्यादा कि वो जो मेंटेनेंस है, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग को मेंटेन करना भी एक कॉस्टली सौदा हो जाता है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ गई। आप एज अ बायर आपने उस प्रॉपर्टी के पूरे पैसे दिए हैं और आप एक सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन वाली जो क्वालिटी की बिल्डिंग थी उसके अंदर आप रहने लगे, मतलब जो आपने सोचा था मैं एक अच्छी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ अपने रहने के लिए और मैं अपने किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी यहाँ बुलाऊँगा तो ये एक एड्रेस के तौर पे काउंट होगा, वो आपको नहीं दिखा और वो एक हल्की सोसाइटी के अंदर आपको रहने पर मजबूर हो गए, क्योंकि आपके पास एज अ बायर और ऑप्शंस जिनके पास नहीं थे उनको उसी बिल्डिंग में रहने का ही एक विकल्प बचा। अच्छा, बात जब आगे चली तो मैं ये भी आपको बताऊं कि एचसी का जो वर्डिक्ट आया था उसमें ये भी कहा गया कि हरियाणा गवर्नमेंट को यहाँ पर एडिशनल वाटर जो अरेंज भी करने की ज़रूरत थी, मतलब अगर ग्राउंड वाटर बैन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन आखिर होगी कैसे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एडिशनल वाटर का अरेंजमेंट भी करना था, तो जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर डेवलपर उसको कहीं दूर से लेकर आता, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसे कहीं दूर से लेकर आती, तो कहीं हद तक उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती, तो ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट या इंडस्ट्रीज़ मजबूरन ग्राउंड वाटर डेली वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने, और जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो नहीं बढ़ी, लेकिन उस टाइम अगर वो बाहर से लेते ज़रूर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती, लेकिन जो गवर्नमेंट वाटर प्रोवाइड कर सकती थी उसने भी नहीं किया। यहाँ मुझे नेगलिजेंसी गवर्नमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों की दिखती है। मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूँ। स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेके बायर सजग हुए और ऐसी बिल्डिंग जहाँ क्लोराइड लेवल आम बायर को समझ में आया, ऐसी गुड़गांव की 100 सोसाइटीज़ करीब सामने आई जिसमें स्क्रूटनी के लिए उन्होंने गुहार लगाया। आपको पता है कि क्लोराइड का एक इशू बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ, एक बिल्डिंग के अंदर दिक्कत आई, तो उस दिक्कत आने के बाद जब होम बायर जगे तो उन्होंने अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, और ऐसी करीब 100 के आसपास सोसाइटी स्क्रूटनी के अंदर आई। मेरे को लगता है कि उनका स्ट्रक्चर ऑडिट जो अभी 2 स्टेज क्रॉस कर चुकी हैं, उनका स्ट्रक्चर ऑडिट टाइमली और क्विक मैनर में होना चाहिए, क्योंकि अगर क्विकली होता है तो कम से कम बायर जो वहाँ रह रहे हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं आशियाना अपना समझ के रह रहे हैं, उनको उनकी बिल्डिंग की एक्चुअल स्टेटस पता लग पाएगा कि वो बिल्डिंग एक्चुअल में वहाँ रहने लायक है या नहीं। बहुत लंबा टाइम मेरे को लगता है कि इसके अंदर नहीं लगना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़
और ख़ासकर वो करप्ट ऑफिसर्स जिन्होंने इसके ऊपर सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया कोर्ट के ऑर्डर को, और ग्राउंड वाटर कंटिन्यूसली यूज़ होता रहा, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जिन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ग्राउंड वाटर यूज़ किया, क्योंकि उसके अंदर जो क्लोराइड की मात्रा थी उसने बिल्डिंग को बहुत नुकसान पहुंचाया, उन पे सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे की पुरानी सोसाइटीज़ पे ये पड़ा कि जिस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव साइट का एक अप्रॉक्सीमेटली फाइनल स्टेज पर आ चुका है, उसके बावजूद भी होम बायर्स वहाँ सफ़र कर रहे हैं। एक सेटबैक उनको लगा जिसमें प्रॉपर्टी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं उठे, वो उस बिल्डिंग पर रहने को मजबूर हो गए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बिल्डिंग झड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रहने में कंफर्टेबल नहीं है, प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हो रहा वहाँ पर, लेकिन वो उस बिल्डिंग में अब रहने को मजबूर हो गए। चूँकि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी जैसे जैसे खुल रही है, यहाँ नए प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, प्राइस एप्रिसिएशन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो बायर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी ऐसी पहले खरीदी थी उनको किसी भी टाइप का कोई प्राइस एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, मतलब जो होम बायर्स हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट को प्रेफर भी नहीं कर रहे, तो होम बायर्स ने भी पुराने प्रोजेक्ट्स पे इंटरेस्ट कम लेते हुए नए प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट ज़्यादा लिया, क्योंकि उनको ये डर है कि जब तक ऑडिट ना हो जाए तब तक हम ऐसी प्रॉपर्टी बाय ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी हमें लेने के बाद पता चले कि ये हमारे रहने के लिए सेफ नहीं है, और फर्दर फ्यूचर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें भी जो ऑलरेडी जिनमें क्लोराइड का इशू देखने को मिल रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी में अभी अप्रिसिएशन ना मिल रहा है ना आने वाले टाइम में मेरे को यहाँ पर मिलता दिख रहा है, जब तक ऑडिट रिपोर्ट पूरी क्लियर नहीं आ जाती। तो इसका इम्पैक्ट बायर्स को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, और ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो आपने सुनी भी होगी, जैसे NBCC टाइप की सोसाइटीज़ जिसमें ऑलरेडी बिल्डिंग को डिमोलिश भी किया जा रहा है। मतलब यहाँ बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जिन्होंने पैसे अपनी जीवन भर की काढ़ी कमाई लगाई और वो बिल्डिंग 5 से 10 साल में अगर गिर जाती है या अगर अथॉरिटीज़ उसे गिराने की बात करती है और फिर रिकंस्ट्रक्ट होता है, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनके रहने का अरेंजमेंट और बार बार खानाबदोश की तरह अपने घर को बदलना, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस समस्या के पीछे मेरे को लगता है कंस्ट्रक्शन कंपनी और अथॉरिटीज़ दोनों पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। चलिए बात करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, और ऐसी कोई भी साइट जहाँ ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है उसको पूरी तरह से रोक देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2000 के अंदर ही ये डिक्लेयर हो गया था कि गुड़गांव डार्क जोन है, और उसके बावजूद भी अगर कंस्ट्रक्शन के लिए ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है, आपने अक्सर देखा होगा कि दिखाने के लिए ज़रूर बाहर से पानी आ जाता है लेकिन बोरवेल के थ्रू ही कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो ये बहुत बहुत अलार्मिंग चीज़ है। यहाँ पर ज़रूर अथॉरिटी को अभी भी बहुत स्ट्रिक होने की ज़रूरत है। अगर अभी भी अथॉरिटी स्ट्रिक होती है तो आने वाले टाइम में ऐसी बिल्डिंग्स जिनमें क्लोराइड लेवल की मात्रा देखने को मिल सकती है उससे कम से कम बचा जाए, और कंस्ट्रक्शन होते हुए ही ऐसी बिल्डिंग को रोका जाए जो ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और फ्यूचर में और किसी टॉपिक के ऊपर आप समझना चाहते हैं रियल एस्टेट रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और रेगुलर ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।